आग लगने से दो लोग झुलसे हालत गंभीर। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के ग्राम सोनकपुर में छप्पर में आग लगने से दो लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनका आनंद फानंद में जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां पर उनका इलाज इमरजेंसी में किया जा रहा है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राम सुनहरी पत्नी जगदीश अपने घर पर चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसका देवर सतवीर वहां पर बैठकर खाना खा रहा था कि अचानक से मिट्टी के तेल की भरी डिब्बी उसके बच्चे के हाथ से चूल्हे में गिर गई, जिससे ऊपर पड़े फूस के छप्पर में आग लग गई और छत पर राम सुनहरी और उसके देवर सतवीर पर गिर गया और वे दोनों बुरी तरह से आग से झुलस गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर परिजन व पड़ोसी भी घर में पहुंच गए और उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर दोनों का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। क्या हुआ है, क्या मामला, कैसे? ये टिबिया थी रखी हुई, रोटी सेक रहे थी तो बच्चे खेल रहे थे, वो टिबिया चूल्हे पे गिरी, छप्पर नीचे था, वो छप्पर एकदम उस पर लपट उठी है, पिन्नी का छप्पर था तो इनके ऊपर गिर गई पिन्नी, इनके मुंह पे लगा था एकदम आगे। ये कैसे जले? ये रोटी खा रहे थे वहाँ पे बैठ के। कितने लोग जले हैं इसमें? ये दो जने थे बस, ये दो जने थे रोटी खा रहे थे, देख रहे। इनका नाम राम सुनहरी है, इनका नाम सतवीर है। तो ये इनके इनकी तो शादी नहीं हुई, उनके ये कौन है इनके? ये देवर है उनके। अच्छा, तो दोनों लोग जले हैं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंकित। तुम कौन? मैं इनका भतीजा हूँ। इनका नाम सतवीर है, लगभग 32 साल, और ये लोग सोना गांव थाना पटवाई के रहने वाले हैं। सतवीर लगभग 95% बन है, सुपरफिशियल टूटी है, और दूसरा जो पेशेंट है महिला है उसका नाम सुनहरी है, उसकी भी उम्र लगभग 30 साल है। दोनों गंभीर हालत में है, उसको प्राथमिक पहुँचाने के बाद तो सब। कितने लोग जले हैं? दो लोग जल रहे हैं। तो कैसी मतलब हालत का कुछ बताया जा नहीं सकता, सुधार है या नहीं है? सतवीर की हालत जो गंभीर बनी हुई है, उसकी स्थिति